क्या आप लोग जानते हो ऐसा कौन सा एनिमल है जो मरने के बाद भी खड़ा रहता है और एक लीटर पानी में कितनी पानी की बूंदें होती हैं। और ये जो सिंपल अभी आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है इसे कहते क्या है, ऐसे ही माइंड ब्लोइंग माइंड को चकरा देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आप लोग जानते हो कि रेनबो जो भी आपकी स्क्रीन के सामने इतनी देर से रिप्रेजेंट हो रहा है उसमें बीच में कौन सा कलर होता है? अभी आप वीडियो को पुश करके कमेंट करके बता सकते हो। हाँ, चीटिंग मत कीजिएगा। हाँ तो हम बता दें, रेनबो में सेंटर में जो कलर होता है वो है कलर ग्रीन। ग्रीन कलर रेनबो के बिल्कुल सेंटर में होता है। फैक्ट नंबर टू, ऐसी कौन सी हैंड की फिंगर है जिसकी नस सीधा दिल से जुड़ी होती है? नहीं पता? वो है लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर। लेफ्ट हैंड की जो थर्ड फिंगर होती है उसकी नस सीधा दिल से जुड़ी होती है, इसीलिए वेडिंग में जब शादी में जब रिंग पहनाते हैं तो वह रिंग भी लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर में पहनाते हैं। इसमें मतलब दो दो फैक्ट्स का बेनिफिट हो गया आपको। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आप लोग जानते हो कि कछुआ टर्टल जो भी आपकी स्क्रीन के सामने है ये कितने सालों तक जीता है? आप लोग तो जानते ही होंगे कि ये 100 से 300 साल तक जीता है, लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है कि 100 से 300 साल तक जीता कैसे है? इसका आंसर हम देते हैं। कछुआ जो होता है वो उसकी एनर्जी को बहुत ही धीरे धीरे यूटिलाइज करता है। मतलब आप लोगों ने सुनी होगी वो कछुए खरगोश वाली कहानी, कितना धीरे धीरे चलता है ये, और रियली भी धीरे धीरे चलता है। तो अगर ये कछुआ अपनी एनर्जी को इतना धीरे धीरे यूज़ करता है तो उसकी एनर्जी सेव रहती है और ये लॉन्ग टाइम तक जी सकता है। इसलिए कछुए की लाइफ स्पैन 100 से 300 साल तक होती है और ये बहुत बड़े भी होते हैं क्योंकि ये बहुत ही धीरे धीरे अपनी एनर्जी को यूज़ करते हैं। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप लोग जानते हो कि निकोला टेस्ला की जो ये स्टैचू है जो भी आपकी स्क्रीन के सामने है ये प्रोवाइड करती है फ्री वाईफाई, जाके कनेक्ट कर लेना। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आप लोग ये भी जानते हो कि जो ट्विंस होते हैं मतलब जुड़वा वो कितने टाइप के होते हैं? मतलब ये नहीं कह लगे दो जने जुड़वा होते हैं तो ऐसे, या फिर पूरे वर्ल्ड में सात अलग अलग जैसे एक जैसे इंसान होते हैं वो, वैसा नहीं। जुड़वा जो होते हैं उनके सात अलग अलग टाइप्स होते हैं और वो टाइप्स हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आप लोग जानते हो कि किस देश में टिकटॉक चलाना एक जुर्म मतलब क्राइम है? नहीं पता? नॉर्थ कोरिया। और तो टिकटॉक जिस जिस देश में बैन है, मतलब जहाँ जहाँ पर टिकटॉक बैन है तो वहीं वहीं पर टिकटॉक को चलाना बैन है, मतलब सॉरी वहीं वहीं पर टिकटॉक को चलाना एक क्राइम है। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड का सबसे बोरिंग डे कौन सा था? तो वो था 11 अप्रैल 1954, क्योंकि इस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब ना किसी की डेथ हुई थी, ना किसी का बर्थ हुआ था, ना कोई एक्सीडेंट, मतलब नथिंग इज हैपन। फैक्ट नंबर एट, सॉरी गाइस ये हवा की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है यहाँ पे। हाँ तो हम फैक्ट पाते हैं। फैक्ट नंबर एट है कि ये जो सिंबल अभी आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा था उसे कहते क्या है? उसे कहते हैं एम्परसेंट। फैक्ट नंबर नाइन, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि मरने के बाद भी खड़ा रहता है? अभी वीडियो को पोस्ट करके आप कमेंट करके बताइए। हाँ तो अब आंसर पे आते हैं, ऐसा कौन सा एनिमल है जो मरने के बाद भी खड़ा रहता है? तो वो एनिमल है, सस्पेंस में रख रहा हूँ, वो एनिमल है टाइगर। टाइगर ही एक ऐसा एनिमल है जो कि मरने के बाद में भी खड़ा रहता है क्योंकि उसके पैरों के जॉइंट्स बहुत ज़्यादा मजबूत रहते हैं और वो बहुत ही मजबूती से बहुत ही ऊपर तक जंप मार सकता है अपने मजबूत पैरों की वजह से, इसलिए। फैक्ट नंबर टेन, एक लीटर पानी में कितनी पानी की बूंदें होती है? सोचो सोचो और वीडियो को पोस्ट करके कमेंट करके भी बता देना। एक लीटर पानी की बोतल या फिर एक लीटर पानी में कितनी 20,000 पानी की बूंदें होती है, और 50 ml जो पानी होता है उसमें 1,000 होती है, 100 ml होता है उसमें जो 2,000 होती है। तो इसी गलत जोड़ा जाए तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को। एक बार फिर से सॉरी गाइस, हवा की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम आई विल इम्प्रूव इट। ओके, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनको भी सॉफ्ट कर दो इन फैक्ट्स।